साल 2018 से 2023 तक तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के लिए सरकार चलाना आसान नहीं था। वजह 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से पैदा हुई मुसीबत नहीं थी, बल्कि परेशानी थी उस नेता की बगावत, जिसके बूते पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए चुनावी प्रचार को धार दी और सत्ता के दरवाजे पर आकर रुक गई। प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन मुखिया सचिन पायलट, जो सरकार का हिस्सा भी रहे थे। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। उनकी गहलोत से अदावत के चलते सरकार के लिए अस्थिरता पैदा हो चुकी थी, जिसके बाद साल 2020 में पूरे प्रदेश पूर्व डिप्टी सीएम पायलट समेत पार्टी के 19 विधायकों की बगावत भी दिखी और यहीं से शुरू हुआ कांग्रेस के अंदर गहलोत वर्सेस पायलट का एपिसोड। पूरे 5 साल पायलट खेमा अपने नेता के लिए कुर्सी की आस में बैठा रहा, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम गहलोत कुर्सी बचाने में लगे रहे। इस पूरी कवायद के चलते साल 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई और एक बार फिर बीजेपी सरकार की वापसी का रास्ता खुल गया। लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस के अंदर गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई खत्म होती नहीं दिख रही है। गहलोत को लेकर पायलट के वही तेवर बरकरार हैं। हालांकि पायलट अब गहलोत का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन गहलोत के लिए बिन कुछ कहे बहुत कुछ कह रहे हैं। 25 जुलाई को एनएसयूआई के नए प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ के पदभार ग्रहण समारोह में पायलट के साथ नेता प्रतिपक्ष की कराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। इस दौरान पायलट बोले कि जिसने आपके लिए मेहनत की, आपके साथ खड़ा रहा, दोस्तों कुर्सी और पद मिलने के बाद उसे भूल गए तो उसकी बद्दुआ जरूर लगेगी। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने एक और पुराना राग अल्फा। सचिन पायलट ने पेपर लीक पर बोलते हुए कहा कि आज भी मैं उस स्टैंड पर कायम हूँ जिस पर पहले था। आगे पायलट बोले कि हर गलती सजा मांगती है। सुनिए पायलट ने क्या कुछ कहा। पेपर लीक पे मेरा जो स्टैंड रहा, मैं कल भी उस पर कायम था, आज भी कायम हूँ और हमेशा कायम रहूंगा। कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने जाने अनजाने में हजारों लाखों बच्चों के भविष्य खिलवाड़ किया है, तो किसी ने सही कहा कि हर गलती सजा मांगती है। अगर आप गलती करोगे, आपको सजा मिलनी चाहिए। और नौजवान के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े अधिकारी हो, कितने पूंजीपति हो, आप नौजवान के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते।